बच्चा सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस को नहीं मिल रहा है, ये ऊपर सतह पर दिखाई देने वाली समस्या है। जो हम ट्रेडिशनल कोर्सेज पढ़ा रहे हैं वो नौकरी नहीं देते जी, बच्चा उनको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमारा करिकुलम आउटडेटेड है जो हम पढ़ा रहे हैं, जो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट है और जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें कोई मेल नहीं है। जो थोड़े बहुत रिसर्च आपके यहाँ हो रहे हैं वो साउथ में हो रहे हैं, दिल्ली में, कलकत्ता में हो रहे हैं, यूपी में तो ना के बराबर रिसर्च है। हमारे हमारे समझ से बाहर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता क्या, लेकिन सच्चाई क्या है, सारे रास्ते वहीं पे खुलते हैं। वोकेशनल कोर्स को लेकर हमारे क्या बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं। सरकार एनईपी में हम ही से कह रही है कि हम वोकेशनल कोर्स पढ़ाएं। अरे साहब, हम इकोनॉमिक्स पढ़कर आए हैं, हम वोकेशनल कोर्स ना मेरे कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहां से पढ़ा देंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की एक खबर छपी। खबर में ये कहा गया है कि सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों को छात्र नहीं मिल रहे, उनमें बीए, बीएससी और बीकॉम के बात की गई। एक तरफ प्रधानमंत्री हर रोज, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये सच है कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हर रोज इस देश में एक कॉलेज खुल रहा है और हर हफ्ते एक विश्वविद्यालय खुल रहा है। फिर सवाल ये है कि जब इन कॉलेजों को ही स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं तो क्यों खुल रहा है, तो क्या मेरा यह क्यों गलत है, सही है, वो आखिर वजह क्या है कि कॉलेजों को स्टूडेंट नहीं मिल रहे। इन सारी बातों को समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मनीष हिंदवी साहब हैं। वह विद्यांत हिंदू पीजी कॉलेज लखनऊ में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और उत्तर प्रदेश के शिक्षक संगठनों में से एक के वह ऑफिस सेक्रेटरी भी। हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार वजह क्या है कि सेल्फ फाइनेंस के विद्यालयों में बच्चे नहीं जा रहे हैं कॉलेजों में, और दूसरा सवाल यह भी हम आपसे परिचित कराएंगे कि आखिर क्या सिर्फ सेल्फ फाइनेंस का ये हाल है या बाकियों का भी ये हाल है। मनीष जी, आपका जनज्वार में स्वागत है और हमारा पाठक दर्शक यह आपसे जानना चाहेगा सबसे पहले कि सेल्फ फाइनेंस के जो कॉलेज हैं उन्हें छात्र क्यों नहीं मिल रहे। बड़ा सीधा सवाल आपने किया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मुझे 2-3-4 मिनट का मौका दें पहले समस्या तक आने के लिए जी। बच्चा सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस को नहीं मिल रहा है, ये ऊपर सतह पर दिखाई देने वाली समस्या है और सतह के अंदर ढेर सारी बातें हैं, ढेर सारी समस्याएं हैं। मतलब जो एक तरीके से कहते हैं ना, सतह के नीचे की डिस्टर्बेंसेस हैं, ऊपर दिखाई नहीं पड़ रही है। हमें इस बात को समझना होगा कि पूरी की पूरी जो उच्च शिक्षा की व्यवस्था है उसका कोई सिस्टमेटिक नियंत्रण नहीं है या सिस्टमेटाइजेशन नहीं है उसमें। हम एक पॉलिसी बनाते हैं दिल्ली में बैठकर, वो जेएनयू पर भी लागू होती है, वो सेंट स्टीफेंस पर भी लागू होती है, वो लखनऊ पर भी लागू होती है, लखनऊ के कॉलेजेस पर भी लागू होती है, लखनऊ के जो ग्रामीण अंचलों में कॉलेजेस हैं उन पर भी लागू होती है, और फिर वही गाजीपुर में लागू होती है, वही जौनपुर में लागू होती है जी। यानी कई तरीके के जो कॉलेजेस हैं उन पे पॉलिसी सब पर एक लागू होती है। दूसरा, डिवीजन नहीं है कि किसको क्या करना है, क्यों करना है। लखनऊ विश्वविद्यालय एक रेजिडेंशियल कैंपस था, उसकी स्थापना हुई कि ये उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाएगा, रिसर्च को प्रमोट करेगा। किसी जमाने में यहां पर 19 या 20 एसोसिएटेड कॉलेज इससे, यानी जो हम लोग हैं, जो हमारे जैसे कॉलेजेस हैं, वो इससे जुड़े हुए थे, और 5-6 गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो डिवीजन है वो यही है। सरकारी कॉलेज जो शुद्ध सरकारी कॉलेजेस हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज हम कहते हैं, एक हमारी तरह है एडेड कॉलेजेस हैं जिनपे एक हिस्सा, जैसे जो तनख्वाह का और तमाम हिस्सा सरकार एड के रूप में देती है, एक प्राइवेट कॉलेजेस हैं और विश्वविद्यालय है जिन्हें सेल्फ फाइनेंस के कॉलेजेस कहते हैं। इसमें एक डिवीजन और बढ़ा लीजिए, एक ऑटोनॉमस कॉलेजेस भी हैं, स्वायत्त कॉलेजेस, जैसे लखनऊ में नेशनल कॉलेज है जिनको अपना एग्जाम कराने के लिए और अपना बोर्ड ऑफ स्टडीज बनाने की स्वतंत्रता है, मतलब कुछ हद तक स्वतंत्रता उनको दी जाती है, उनका भी एड सरकार ही देती है, तो मतलब कोई हमारे और उनके बीच में फर्क थोड़ी स्वायत्तता का है। कुछ कॉलेजेस इतने हुआ करते थे, नहीं मैक्सिमम 25-26,
धीरे 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 सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस का जोर शुरू हुआ। अगर आप ठीक से याद करेंगे तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2007 की बसपा की सरकार जब आई थी तो उसने बहुत तेज कर दिया था प्राइवेट कॉलेजेस को एफिलिएशन देना, और धीरे धीरे प्राइवेट कॉलेजेस को एफिलिएशन बहुत मिलने लगा। क्या वो शिक्षा अभी मंत्री मैं राजेश धर द्विवेदी जब थे, राकेश राकेश धर द्विवेदी जी थे, धर द्विवेदी जी, राकेश धर त्रिपाठी जी सॉरी। तो जब वो आए तो वो अच्छा वो दौर भी था जब वो लग रहा था कि एनरोलमेंट बढ़ेगा, तो चूंकि कॉलेजेस कम थे तो लोगों को एडमिशन भी मिल रहे थे। यहाँ एक बात और मैं जोड़ूंगा, यहाँ भेड़ चाल बहुत है। एक जमाने में क्या हुआ कि बीएड करके नौकरी मिल जाया करती थी, प्राइमरी की नौकरी बीएड करके मिल जाया करती थी। तो जैसे ही पहली बार नौकरी मिली या ये शुरू हुआ कि बीएड करके नौकरी मिल जाएगी, धनाधन धनाधन पूरे उत्तर प्रदेश में जैसे लगा एक बाढ़ सी आ गई बीएड कॉलेजेस की। जहां हम लोग बीएड कॉलेज सुनते नहीं थे पूरे शहर में एक, वहां हर हर ब्लॉक पर एक बीएड कॉलेजेस खुलने लगे, इतने सारे बीएड कॉलेज खुल गए। एक आंकड़ा भी है मेरे पास कि जो पूरे कॉलेजेस हैं उसमें 30.9% सिर्फ बीएड के कोर्सेज चलाते हैं। जी फिर आप जानते हैं कि वो जो नौकरी देने का क्रम था वो खत्म हो गया, कम हो गया, और बीएड कॉलेजेस में अब वो खाली बैठे हुए हैं। अब जितनी वैकेंसी के अगेंस्ट सरकार एग्जाम कराती है उतने भी बच्चे फिर नहीं सर मिलते। हम बीएड कॉलेजेस पर भी आएंगे, लेकिन जहां से बात शुरू की थी मनीष जी, वहां से मैं वही सिलसिलेवार वही शुरू। वही हाँ जी वही वही ले चल रहा हूं। जी उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे सेल्फ फाइनेंस पढ़ने लगे। अब लखनऊ विश्वविद्यालय में आज की डेट में 4 जिले और जोड़ दिए गए हैं, और हमारे पास कुल मिलाकर 520-25 कॉलेजेस हैं, सेल्फ फाइनेंस के ठीक है ना, सेल्फ फाइनेंस एडेड और गवर्नमेंट मिला के। तो एडेड कॉलेजेस तो 34 हैं 5 जिलों को मिलाकर, 5-6 गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, बाकी सब प्राइवेट कॉलेजेस हैं। मतलब, अगर प्रतिशत हम समझे एकदम एग्जैक्टली लखनऊ का, तो अगर 526 है तो आपका कहना है कि 70% ही सेल्फ फाइनेंस होंगे। 70% सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस हैं, एकदम सही कहा आपने। जी यही आंकड़ा भी है ऑल इंडिया सर्वे जो हायर एजुकेशन का हुआ है उसका आंकड़ा भी यही है। जी अब आप देखिए कि कहां लखनऊ में हम शिक्षा इम्पार्ट कर रहे थे वही 20 कॉलेजेस से, जी लखनऊ के अंदर कम से कम 100 से ऊपर सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस खुल गए हैं। चिन्हट का बच्चा है तो वो चिन्हट में उसके पास दो दो सेल्फ फाइनेंस के कॉलेजेस हैं, वो घूम फिर कर केकेसी केकेबी या विद्यांत के पास क्यों आएगा। बगल में कॉलेज खुल गया, फीस लगभग वही हम भी ले रहे हैं वो भी ले रहे हैं, बच्चा तो उतना ही है ना, 19-20 के फर्क के साथ है। जी तो पहली बात तो ये हुई जो आपकी जो आपने सवाल किया कि ढेर सारे नंबर्स ऑफ कॉलेजेस खुल गए हैं एकदम अति वाले। अब आप कहेंगे साहब हमारा एनरोलमेंट रेशियो तो बहुत कम है, उसको बढ़ाया जाना चाहिए। हमारा एनरोलमेंट रेशियो बिल्कुल जो हायर एजुकेशन में है वो 25% के आसपास है, एनईपी कहती है हम इसको डबल कर देंगे 50% पर। अब यहां से हमारी समस्या का दूसरा पहलू शुरू होता है कि जब बच्चे हमारा एनरोलमेंट रेशियो कम है तो कॉलेजेस ज्यादा कैसे हो गए। यानी मैंने जो पहली बात कही कि कॉलेजेस ज्यादा हैं, अब मैं उसको कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा हूं कि कैसे ज्यादा हो गए। तो ज्यादा इसलिए हो गए क्योंकि जो हम ट्रेडिशनल कोर्सेस पढ़ा रहे हैं वो नौकरी नहीं देते, जी बच्चा उनको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमारा करिकुलम आउटडेटेड है जो हम पढ़ा रहे हैं, जो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट है और जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें कोई मेल नहीं है। ये बात आप बीए बच्चा बीएससी पढ़ने और मैं बीए के लिए कह रहे हैं। सबके लिए कह रहा हूं, और मैं अभी अपनी धीरे धीरे करके अपनी बात को सिद्ध करूंगा, मैं क्रम से चल रहा हूं। खास तौर से बीए बीएससी तो हम एकदम आउटडेटेड हो गए हैं। जी हम इकोनॉमिक्स जो पढ़ाते हैं उसको पढ़कर लड़का किसी भी इंडस्ट्री में नौकरी नहीं पा सकता है। हम जो थ्योरेटिकल कोर्सेज पढ़ा रहे हैं अजय जी उसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन वही तो तो हमारा आगे आईएएस करिकुलम हो रहा आउटडेटेड है, पीसीएस हो रहा है, ये क्या खेल है? एकदम सही, क्योंकि आईएएस और पीसीएस की रिक्वायरमेंट अलग है, टीचर बनने की रिक्वायरमेंट अलग है और इंडस्ट्री में जाने की रिक्वायरमेंट अलग है। लेकिन अजय जी मैक्सिमम नौकरियां कहाँ मिल रही हैं? इंडस्ट्री में जी अगर पूरे इंडस्ट्री में नौकरी मिल रही है ना, रोजगार तो वहीं से जनरेट होगा ना भाई। अगर हमारे पास 1-1.5 लाख लड़का लखनऊ में पढ़ रहा है तो 3 या 4 आईएएस हो जाएगा, 5 आईएएस हो जाएगा, 10 आईएएस हो जाएगा, एक 15-20-25 लड़का टीचर हो जाएगा, जहां पर इसकी जो इस थ्योरेटिकल कोर्स जो हम पढ़ा रहे हैं जिसकी जरूरत है, कुछ वो पूरा तो लड़का टीचर हो सरकारी जाएगा। यूनिवर्सिटी लेकिन कॉलेज ही कर देंगे वैसे छात्रों की पूर्ति तो।
बाकी बच्चा कहाँ जाएगा, उसको वोकेशनल कोर्स पढ़ने की जरूरत है। वोकेशनल कोर्स को लेकर हमारे क्या बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं। सरकार नीति में हम ही से कह रही है कि हम वोकेशनल कोर्स पढ़ाएं। अरे साहब, हम इकोनॉमिक्स पढ़कर आए हैं, हम वोकेशनल कोर्स ना मेरे कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहाँ से पढ़ा देंगे। तो अब मैंने अपनी दूसरी बात पूरी की कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आउटडेटेड, और वो बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं, उसके बजाय उसको लगता है कि इंटर पास करके कहीं नौकरी पकड़ लो, कहीं भी कोई भी प्राइवेट। आजकल तो गिग इकोनॉमी का दौर है, वो मंत्रा का अगर कूरियर ही डिलीवर करेगा तो शाम को 400-500 रुपए कमा लेगा, वो मेरे पास क्यों आएगा। तीसरी बात, कोरोना के बाद जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, या जो लोग एम्प्लॉयमेंट में थे उनका पैसा घटा, जैसे मेरे कॉलेज में, मैं अपने बच्चों से जुड़ के रहता हूँ, उसे समझने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे एक बच्चा है, उसके पिताजी की नौकरी चली गई, तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो घर भर काम कर रहे हैं, उनकी माता जी ने भी कुछ प्राइवेट काम को पकड़ लिया, वो बच्चा भी ट्यूशन पढ़ाने लगा है। तो इसी तरीके से ढेर सारे हमारे बच्चों ने नौकरी पकड़ ली है कोरोना के बाद, अपने परिवार मतलब को ये सस्टेन करने के एक लिए। जो आंकड़े आ रहे हैं, यानी बहुत सही है कि कोरोना के बाद बड़ी संख्या में हाई स्कूल के बाद छात्रों ने नौकरियों की तरफ या रोजगार की तरफ रुझान किया एकदम, है बजाय मेरा कि एकदम प्रैक्टिकल अनुभव ये पढ़ाई करने। सवाल सर ये है मनीष जी कि आपने कहा कि सेल्फ फाइनेंस के बच्चे चूंकि बीए बीएससी बीकॉम वाले, अब सवाल ये है है। कि एक जिक्र आप कर रहे हैं कि इनको वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा की जरूरत है। इसी उत्तर प्रदेश में, वैसे तो देश का हाल है, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में आंकड़े छपते हैं कि 60,000 सीटें खाली रह गई बीएड की, ये बीटेक वाले स्कूल कॉलेज में कम हो गए छात्र, तो फिर टेक्निकल में भी तो बच्चे नहीं मिल रहे हैं और वोकेशनल कोर्सेज में भी नहीं मिल रहे हैं, पत्रकारिता में बच्चे नहीं मिल रहे हैं। अब जी यहां पर मसला हम तीसरी वाली और इस बात को जोड़कर देखेंगे, जो तीसरी बात मैंने कही कोरोना के बाद वाली, या जी वैसे भी अगर आप देखिएगा तो पिछले 5-6-7 सालों में इकोनॉमी जिस तरीके से जीएसटी और के खराब इम्प्लीमेंटेशन और डिमोनेटाइजेशन के बाद डिरेल हुई थी, तो जी अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है। ठीक बिल्कुल है, और एक नया हल्ला मचा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। मुझे याद आता है अजय जी कि 13-14 में एक एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे आता था, अब तो सरकार वो डेटा ही, मतलब वो सर्वे ही नहीं करा रही है। जी वो कहता था कि साहब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में 60% ऐसे लोग हैं जो इस बात के इंतजार में रहते हैं कि कहीं कोई नौकरी मिले और हम ये काम छोड़ दें, मतलब वो जबरिया वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे होते हैं। तो इस कोरोना के बाद उस जबरिया वाला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है। अचानक से सब्जी वाले बहुत बढ़ गए, वो ठेले पे आइसक्रीम बेचने वाले बहुत बढ़ गए, फल वाले बहुत बढ़ गए, वो उनका काम खत्म हो गया तो उन्होंने वही काम करना शुरू कर दिया। आप जिन कोर्सेज की बात कर रहे हैं, अगर बीटेक की बात करेंगे तो बीटेक का पैसा देने के लिए कितने बच्चे हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर कोट कर, मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ जो मेरे सामने रूबरू रोज आते हैं। जी एक बच्चा बीएससी पास करता है जुआलजी बॉटनी के साथ, वो बॉटनी से एमएससी करना चाहता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एमएससी है, इसके अलावा एमएससी जो है सेल्फ फाइनेंस में है, एडेड में नहीं, कहीं नहीं है। सेल्फ फाइनेंस में एमएससी की फीस है 16,000 रुपया प्रति सेमेस्टर, यानी 32,000 रुपया साल। जी कमजोर घर का बच्चा था, मुझसे कहा सर हम 32,000 रुपया साल देके एमएससी नहीं कर पाएंगे। अच्छा बच्चा था, पढ़ने वाला बच्चा था, नहीं पढ़ पाया। बिल्कुल दूसरी बात, जो हमारी गुणवत्ता है इन कोर्सेज की, वो शून्य है। वॉल स्ट्रीट जनरल ने आज से 4-5 साल पहले एक डेटा दिया कि हमारे जो बच्चे वो 85% ग्रेजुएट्स और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स 75% एम्प्लॉयबल नहीं है, वो रोजगार देने योग्य नहीं है। तो इस अजय बात जी, को तो आपके दुर्भाग्य इस बात, मुख्यमंत्री भी समझते हैं मनीष जी, और उनका एक बयान आया था कि हमारे यहाँ रोजगार की कमी नहीं है, काबिल लोगों की कमी। तो जो आप सवाल कर रहे हैं वो ये तो मुख्यमंत्री स्तर की है, उनको ठीक करना चाहिए। अगर बीएड और अजय जी, बीटेक या बीएमए की पढ़ाई का कोई रोजगार या जिंदगी से लेना देना नहीं तो उसको बदल देना चाहिए। अजय जी, मैं यहां पर दो बातें कहूंगा। जी आप पत्रकार हैं, आपका काम सवाल उठाना, मैं शिक्षक हूं, मेरा काम उसका जवाब देना। जी मुख्यमंत्री का काम समस्याओं को दूर करने का, उनको बिल्कुल सवाल नहीं उठाने, उनका काम का दूर करना है। जैसे मैं कहता हूं, हाँ मुझे हमारे क्या इकोनॉमिक्स का, अगर बच्चा बेहतर पढ़ ले, बीए इकोनॉमिक्स से पढ़ ले, एमए इकोनॉमिक्स से पढ़ ले, वो इंडस्ट्री में काम का है। ऐसा नहीं मेरा कोर्स बेकार है, आज के डेट में तमाम इंडस्ट्रीज में इकोनॉमिक्स की जरूरत है। लेकिन हम जो कोर्स पढ़ा रहे हैं, जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं, और हमारे का थ्योरेटिकल ज्यादा है, प्रैक्टिकलिटी और क्रिएटिविटी उसमें नहीं है।
और आप जानते हैं उस थ्योरी को पढ़कर जो 70 और 80 के जो पॉलिसीज थी मैक्रो इकोनॉमिक इकोनॉमी की पढ़ाकर बच्चा क्या करेगा। बिल्कुल तीसरी बात इससे जुड़ी हुई, रिसर्च का अभाव हमारे क्या है। हम आज भी रिसर्च पर पूरी दुनिया में सबसे कम खर्च करते हैं। यूपी की बात रिसर्च का करें मतलब तो, सिर्फ यूपी की बात हम करें भारत में तो ही पॉइंट, यूपी में तो ना के बराबर है, जी यूपी में तो ना के बराबर। जो थोड़े बहुत रिसर्च आपके यहाँ हो रहे हैं वो साउथ में हो रहे हैं, दिल्ली में, कलकत्ता में हो रहे हैं, और यूपी में तो ना के बराबर रिसर्च है। हमारे हमारे समझ से बाहर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता क्या, लेकिन सच्चाई क्या है, सारे रास्ते वहीं से खुलते हैं। मुझे अगर कहा जाए तो मैं इकोनॉमिक्स की ट्रेडिशनल पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दूं। मैं तो कहूं कि आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि लखनऊ और उसके आसपास की इकोनॉमी कैसी है। एज ए इकोनॉमिस्ट मेरा काम यह है कि मैं समझूं कि लखनऊ में अगर बच्चा पढ़ेगा तो उसे किस तरह का रोजगार मिलेगा, कितने का रोजगार मिलेगा, और अगर हम क्या करें कि यहाँ रोजगार बढ़ जाएगा, कैसी जी इंडस्ट्रीज यहाँ होनी चाहिए। हमारा काम तो ये करने का है ना कि क्लास में 2 क्लास बढ़ाने का है। हमको पूरा पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है। तो सर, एक बात इस बदलने से याद आ रहा है कि उत्तर प्रदेश गरीब राज्यों में से एक है भारत के। आपका ये कहना है, आंकड़े भी ये कहते हैं कि करीब 70% सेल्फ फाइनेंस के कॉलेज हैं। तो जो पढ़ाई हम सब 600-700 रुपए में, आज शायद वो विश्वविद्यालय कॉलेज सरकारी में 1000-2000 की हो गई होगी, वो पढ़ लिया नहीं, और बढ़ गई करते है। थे, शायद और बढ़ गई हो। तो अब सेल्फ फाइनेंस दे पाने की स्थिति में छात्र जब है ही नहीं 70%, तो ये भी एक बड़ी वजह होगी कि वो नहीं दाखिला ले रहे होंगे। बाप हो सकता है उसी 20,000 में गुमटी खोल दे बजाय कि एडमिशन कराए। एक्चुअली एक मसला और है जी कि एक तो हमारी जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है उसमें भी साल में अब 2 सेमेस्टर के एग्जाम होने लगे, 2 बार एग्जाम एजेंट बिल्कुल फीस जमा करी बिल्कुल जाती है, ठीक है, वो तमाम चीजें तो वहां पर तो ही है। इसके अलावा जो मसला है कि कॉलेज कह रहे हैं ये ज्यादा फीस नहीं ले रहे हैं, लगभग वो 30 फीस लेते हैं, 19-20 का, जितनी हम लेते हैं उतनी वो लेते हैं, फिर जो वो ये खर्च ट्रेडिशनल कैसे कोर्सेज जो चलाते हैं चला सेल्फ रहे हैं फाइनेंस वाले लोग? वो सेल्फ फाइनेंस, वो खर्च ऐसे चलाते हैं कि वो 10,000 पे टीचर रखते हैं, जो टीचर एमए नेट दस पीएचडी हजार पढ़ा एक मिनट पढ़कर सर जा, रुके, दस हजार 10,000 रुपए में एमए का पढ़ाने वाला टीचर मिलता है उत्तर प्रदेश में? ग्रेजुएशन पढ़ाने वाला 10,000, 12,000, 15,000। ये रेट है? हाँ, ये इस पर टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अच्छा, और इससे अभी जब ज्यादा कोरोना के तो में वो ईटा ईटा पाथने वाले जो घर बनाने वाले मजदूर हैं, उनका साढ़े चार यस, सौ 500 रुपए और प्रतिदिन। इतना ही दुर्भाग्य नहीं है, दुर्भाग्य जी अजय जी ये है कि जब अभी कोरोना में बंदी हुई थी, 1.5 साल की बंदी रही, तो सरकारों ने आंकड़ों पर काम नहीं किया। सबसे ज्यादा नुकसान अगर उठाया तो जो 8,000 सेल्फ फाइनेंस का कॉलेज हमारे क्या है उसमें जी जो टीचर्स काम कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए, उनको 1.5 साल तनख्वाह नहीं मिली। जो छोटी छोटी कोचिंगें पढ़ा रहे थे लोग, जैसे कोचिंग एक अच्छा बिजनेस हमारे क्या है कि जो जैसे अगर हम अपने सब्जेक्ट को जानते हैं, कुछ नौकरी नहीं मिली तो घर पर बैठ गया, किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लिया, मशरूमिंग थी कोचिंग्स की, कि अगर मैं अपने घर से निकलूं और 3 किलोमीटर चले जाऊं तो कम से कम 4-5 कोचिंग्स मिल जाएंगी जहां 5-6 टीचर्स पढ़ाते थे। वो बंद हो गई, उनको पैसा नहीं मिला। हमने तो ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि समस्या का मूल था कहाँ। तो ये स्थिति है, जो सेल्फ फाइनेंस के कॉलेजेस हैं वहां पर अब टीचर्स में पे नहीं करना है। एक बार बिल्डिंग बनाने पर जो खर्च हुआ, मैक्सिमम बाहुबलियों के, बड़े नेताओं के, बड़े लोगों के कॉलेजेस हैं, उन लोगों के पास जमीनें थी, उसको जमीन को बचाए रखने के लिए कॉलेज खोल दिया उन लोगों ने। नकल का साम्राज्य है पूरा। जो हमारे क्या का प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस का सिस्टम है, जो प्राइवेट कॉलेज है पूरी दुनिया में, जो प्राइवेट कॉलेज है अजय जी, वो गुणवत्ता को कायम रखने के लिए और बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। और हमारे यहाँ जब आप उत्तर प्रदेश में यहाँ से लेकर पूर्वांचल तक या इधर वेस्ट तक चले जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि अगर बदहाली का, बद इंतजामी का और बेईमानी का कोई स्रोत है तो वो कॉलेज बन के रह गए हैं। जी बिल्कुल दो सही दो तीन तीन कहा। चार चार कमरे के जो, और इतना भ्रष्टाचार है इस एफिलिएशन को देने में कि आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। यहां से लेके सरकार तक जो पैनल्स बनते हैं इनको चेक करने के लिए, वहां सिर्फ पैसा चलता है। आप ये बताइए कि मैं किसी कॉलेज के सर्वे पर अगर तो जा रहा फिर हूं तो ऐसा मुख्यमंत्री तो हमारे जब ये कहते हैं कि रोजगार की कमी नहीं है, काबिलियत की कमी है, तो क्या उनको ये सच नहीं दिखता है कि सेल्फ फाइनेंस ही 70% पढ़ाए और उनको भी स्कूल कॉलेज में बच्चे न जाएं, वो भी भ्रष्टाचार से चले, और वो भी तो करीब 100-150 स्कूलों के ट्रस्ट में शामिल? वो सारा सच जानते हैं,
बस दिक्कत इस बात की है कि सच को स्वीकार लेना एक बात है और समस्या को दूर करना दूसरी। हम समस्या को दूर करना ही नहीं चाहते। उसका कारण सबसे बड़ा अजय जी ये है कि ये बच्चे अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो रोजगार मांगेंगे। क्या रोजगार देने के लिए है इनके पास? आप पिछले 6 साल का आंकड़ा उठाकर देख जो लीजिए वो कितने भोजपुरी रोजगार का में सृजन किया कहावत इन्होंने। है ना, क्या लो नौ मन तेल होई ना ना राधा नचिहें। तो मामला ये है बिल्कुल कि ना पढ़ेंगे ना रोजगार मांगेंगे। भाई, अगर काबिल लड़का होगा तो रोजगार की डिमांड करेगा ना। फिर हमारे क्या, आप लड़ेगा देख भी वो लीजिए ना, रोजगार नहीं आप मिलने पर, संघर्ष बिल्कुल, भी आप यहां करेगा। से लेके आप पूरा पूरा पूर्वांचल उठाकर देख लीजिए या वेस्ट उठाकर देख लीजिए, बच्चा यूपी में टिक कर रहा है, जो ज्यादा पढ़ जा रहा है रह कर रहा है यहाँ पर। हमारा छोटा भाई था, कजिन ब्रदर है, इंजीनियर है, ऑटोमेशन का काम बहुत अच्छा जानता है। अभी कुछ दिन तक लखनऊ में रहा, बेंगलोर चला गया, जस्ट डबल पे नौकरी मिली उसको। यहाँ जितने पे काम कर रहा था लखनऊ में, उसकी जस्ट दुगनी पे नौकरी उसको बैंगलोर में मिल गई। तो बच्चे यहाँ क्यों रहेंगे, जरा बताइए, क्या खैर, एक है आपके सवाल पास, आपसे क्या है और आपके मैं पास? पूछना चाहूंगा कि जब आपने सेल्फ फाइनेंस की बात कही और कहा कि दुनिया में सबसे बेहतरीन और अच्छे प्रयोग सेल्फ फाइनेंस के कॉलेजों में हुए हों, तो आप भी जानते होंगे कि हमारे यहाँ भी जिंदल यूनिवर्सिटी है, हमारे यहाँ भी अशोका यूनिवर्सिटी है, और हमारे यहाँ भी एमएटी यूनिवर्सिटी है जो सेल्फ फाइनेंस से ही चलते हैं। तो यानी गरीबों का जो सेल्फ फाइनेंस होगा वह जो है वो बेईमानी और बेकदरी और ना पढ़ाने के सेंटर के रूप में होगा ना फिर, क्योंकि यहाँ धनिकों के कॉलेज तो बहुत। मैं एक ऐड करना चाहूंगा। देखिए, जो जिंदल है, जो जिनके नाम लिए, अशोक यूनिवर्सिटी आपने हाँ नाम लिए, वहां सामान्य बच्चा तो पहुंचेगा नहीं। सामान्य बिल्कुल नहीं, पच्चीस बच्चा लाख एजुके रुपया सालाना फीस है ग्रेजुएशन की। देखिए, जो सामान्य बच्चा है, जो हम लोग अभी भारत का स्वरूप है, उसको अगर आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाना चाहेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। अभी हम प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार नहीं है। हमारे मैं यहाँ की सिर्फ एक आपसे बड़ी यह आबादी, जानना चाहता हूं कि मैं मतलब उसी का यह जवाब है दे रहा कि हूं, मैं जी उसी का जवाब दे रहा हूं। हमारे यहाँ एक बड़ी आबादी बहुत गरीब है, लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास में है। उनके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकारों की है। आपको एडेड कॉलेजेस बढ़ाने हैं, आपको तंत्र को ठीक करना है, नए हिसाब से पढ़ाई करानी है, वोकेशनल कोर्सेज के कॉलेजेस खोलने हैं, लेकिन फीस ना के बराबर रखनी है, उनको सुविधाएं देनी है। अभी बच्चा आएगा, पढ़ेगा और सीखेगा। अगर आप ये उम्मीद करें, क्योंकि जब बच्चा जा रहा है वो देख रहा है कि हरदोई के किसी कॉलेज में गया, देखा उसके घर वालों ने देखा कि यहाँ पढ़ाने से अच्छा तो जो आप कह रहे थे कि 20,000 की गुमटी डाल दो, बिल्कुल उसका वो विश्वास खत्म हो गया है ना कि यहाँ से पढ़ के होगा क्या, क्योंकि उसके गांव में पहले से 6 लड़के बीए करके बैठे हैं जो किसी लायक नहीं है। तो सवाल तो इस बात का है ना। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मनीष हिंदवी, उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही और उनमें एक ये है कि आखिरकार वह पढ़ाई जो रोजगार तक नहीं ले जाए वहां गरीब माँ बाप कैसे भेजे। दूसरी बात ये कि 70% बच्चे सेल्फ फाइनेंस में पढ़ रहे हैं और वह भ्रष्टाचार, बेईमानी और झूठ और बेरोजगार रखने की सबसे बड़े जरिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और उसका जवाब भी आप जनता दर्शक को ढूंढना चाहिए कि सरकार इसलिए भी नहीं पढ़ाना चाहती है कि अगर सरकार पढ़ाएगी तो रोजगार कहाँ से। जनज्वार, जनता की मीडिया।